लोग उपवास सिर्फ अन्न का करते हैं, जबकि दिल में जहर, लोभ, लालच, क्रोध और बुरे विचार ही बोलते हैं। याद रहे, तारीफों के फूल के नीचे हमेशा मतलब की नदी बहती है। उधार दीजिए मगर सोच समझ कर, क्योंकि अपने ही पैसे भिखारी की तरह मांगने पड़ते हैं। इज्जत किसी इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। जरूरत खत्म, इज्जत खत्म। इंसान की भी बड़ी अजीब फितरत है, मरे हुए पर रोते हैं और जिंदा को रुलाते हैं। किसी का असली चरित्र तभी सामने आता है जब आप उसके मतलब के नहीं रहते। सच को अनसुना करते हैं लोग, जबकि झूठी बातों को बहुत उछालते हैं लोग। किसी जमाने में दूसरे के पेड़ से कांटे निकालते थे लोग, मगर अब एक दूसरे की राहों में कांटे बिछाते हैं लोग। मतलब में बहुत ज्यादा वजन होता है, तभी तो मतलब के बाद रिश्ते हल्के हो जाते हैं। आदमी अच्छा था ये सुनने के लिए पहले मरना पड़ता है, तभी तक पूछे जाओगे जब तक काम आओगे, क्योंकि चिरागों के जलते ही बुझा दी जाती है तिलिया। इतनी जल्दी दुनिया की कोई चीज नहीं बदलती जितनी जल्दी इंसान की नजरें और नियत बदल जाती है। लालच और झूठ हर किसी को गद्दार बना देता है। जब बेटी बीमार हो तो बड़ा दुख होता है, मगर बहू बीमार हो तो ड्रामा लगता है। करवा है मगर सच है। आईने के सामने सस्ता सवरना सवरता है हर कोई, मगर आईने की तरह सफ दिल रखता नहीं कोई। इस जमाने में वफा की तलाश मत करो, वो दौर और था जब मकान कच्चे मगर इंसान सच्चे हुआ करते थे। जब जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो पुराने लोगों को भूल जाते हैं लोग। किसी की बुराई तलाश करने वाले इंसान की मिसाल उस मक्के की तरह है जो सारे खूबसूरत जिस्म को छोड़कर केवल जख पर ही बैठती है। मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से भी कुछ नहीं सीख पाता। मूर्ख व्यक्ति ज्ञानियों से भी कुछ नहीं सीख पाता और ज्ञानी मूर्ख से भी बहुत कुछ सीख लेता है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है उसकी वाणी कड़वी जरूर होती है, लेकिन वो कभी किसी के साथ छल नहीं करता। आदमी भगवान से लाखों करोड़ों की चाहत रखता है, लेकिन जब मंदिर जाता है तो जेब में सिक्के ढूंढता है। असली मर्द हालातों से लड़ते हैं और नकली मर्द घर की स्त्रियों से। लोग आपके पास तब नहीं आते जब आप दुखी हो, बल्कि वो तब आते हैं जब वो खुद दुखी होते हैं। ठोकर इसलिए नहीं लगती कि इंसान गिर जाए, ठोकर इसलिए लगती है कि इंसान संभल जाए। बाप का कारोबार जब से बेटे ने संभाला है, बेटा समझ रहा है उसने बाप को पाला है। जब कोई नया मिल जाता है तो पुराना रिश्ता ऐसे खत्म हो जाता है जैसे कभी था ही नहीं। खुद को खराब कहने की हिम्मत नहीं, इसलिए लोग बोलते हैं जमाना खराब है। एक बात हमेशा याद रखना कि हाथ मिलाने वाले सभी सच्चे दोस्त नहीं होते। अगर कोई व्यक्ति आपको छोटा नजर आ रहा है तो या तो आप उसे दूर से देख रहे हो या फिर गुरूर से। आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखता, आप कब गलत थे ये सबको याद रहता है। सच्चे किस्से शराब खानों में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में जाम लिए जाते हैं। झूठे किस्से अदालत में सुनाए जाते हैं, जहां हाथों में गीता और कुरान होते हैं।
बाप की दौलत से शौक पूरे होते हैं, अपनी कमाई से तो सिर्फ जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। आपका एक झूठ आपके सारे सत्य से किए गए कार्यों को भी शंका के दायरे में खड़ा कर देता है। प्रशंसा चाहे जितनी कर लो, अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौट पाता है। पत्थर में एक कमी है कि वो पिघलता नहीं है, मगर एक खूबी भी है कि वो इंसान की तरह बदलता नहीं है। पैसों की गर्मी अक्सर रिश्तों को जला देती है। गिरना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इससे पता चल जाता है कि हाथ थामने वाले कितने हैं और साथ छोड़ने वाले कितने। ये बात दिमाग में बिठा लो, जिंदा हो तो निंदा भी होगी, क्योंकि तारीफें तो मरने के बाद हुआ करती है। किसी को गलत समझने से पहले उसके हालात को जरूर समझ लेना चाहिए। छोटी सी होती है ये जिंदगी, इसे हंसकर जियो, क्योंकि लौट कर सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। हर चीज उठाई जा सकती है सिवाय गिरी हुई सोच के। आपके कर्म ही आपकी पहचान बनाते हैं, वरना एक ही नाम के हजारों लोग होते हैं। अच्छाई और सच्चाई चाहे पूरी दुनिया में ढूंढ लो, अगर खुद में नहीं है तो कहीं नहीं मिलेगी। बीते हुए वक्त को बदलना आपके हाथ में नहीं है, मगर आने वाले वक्त को बदलने से आपको कोई नहीं रोक सकता। जिंदगी में कुछ नेक काम ऐसे भी करने चाहिए जिनका ऊपर भले के सिवा कोई दूसरा गवाह ना हो। जब कोई विचार अनन्य रूप से मस्तिष्क पर अधिकार कर लेता है, तब वो वास्तविक भौतिक या मानसिक अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, पर मृत्यु के बाद भी लोगों के दिल में जीवित रहना ये कर्मों की बात है। सब्र कोई कमजोरी नहीं होती है, बल्कि ये वो ताकत होती है जो सब में नहीं होती। दुआएं कभी खाली नहीं जाती है, बस सही वक्त पर कबूल होती है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है, जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। सब कुछ कॉपी हो सकता है, लेकिन चरित्र और व्यवहार नहीं। अपनी सोच को काबू में रखिए, क्योंकि आपकी सोच ही असलियत का रूप लेगी। अगर नियत अच्छी हो तो नसीब कभी बुरा नहीं होता। वक्त बनाने वाले को जरा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। कर्म का कोई मेनू नहीं होता, जो आप सर्व करेंगे वही आप डिजर्व करोगे। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। मन का झुकना भी बहुत जरूरी है, सिर्फ सर झुकाने से भगवान नहीं मिलते। मंजर बुरा हो सकता है, मंजिल नहीं। दौर बुरा हो सकता है, लेकिन जिंदगी नहीं। जीतने का मजा तो तब आता है जब सभी आपके हारने का इंतजार कर रहे हो। अगर आप उन बातों और परिस्थितियों को की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी और भविष्य का पछतावा है। आप दुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा दुखी रहोगे, आप सुख पर ध्यान देंगे तो हमेशा सुखी रहोगे। क्योंकि आप जिस पर ध्यान देते हैं वही चीज सक्रिय हो जाती है। बुरा वक्त भी गुजर ही जाता है, बस रब को हमारा सबर आजमाना होता है। चेहरे पर हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है
तब दो चीजें हमेशा याद रखना, जो खोया है उसका गम नहीं और जो पाया है वो भी किसी से कम नहीं। खराब तबीयत से व्यक्ति जितना कमजोर नहीं होता, उससे ज्यादा वो नकारात्मक विचारों से थकता है। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ दो शख्स जानते हैं, परमात्मा और अंतरात्मा। नकारात्मक विचारों को अपने मन में प्रवेश करने की अनुमति ना दें, क्योंकि ये ही वो एक चीज होती जो हमारा आत्मविश्वास कम कर देती है। कामयाबी कुछ नहीं, बस एक नाकामयाब व्यक्ति के संघर्ष की कहानी होती है। आपके खिलाफ होने वाली बातों को खामोशी से सुन लीजिए, यकीन मानिए वक्त उन्हें बेहतर जवाब देगा। जिसने अपने को वश में कर लिया है, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो ये उनकी समस्या है। आप आईना हो, आईना बने रहो। फिकर वो करे जिनकी शक्लें खराब हैं। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। खुद के बारे में ना किसी पीर से पूछो, ना किसी फकीर से पूछो, बस कुछ देर आंखें बंद कर अपने जमीर से पूछो। खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी, लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी जरूर मिलेगी। लोग आपके अपमान के बारे में हमेशा बात करेंगे। सम्मानित व्यक्ति के लिए अपमान मृत्यु से भी बदतर है। मन अशांत है और उसे नियंत्रित करना कठिन है, लेकिन अभ्यास से इसे वश में किया जा सकता है। अगर तुम अपना कल्याण चाहते हो, तो सभी उपदेशों सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मुक्ति प्रदान करूंगा। उससे मत डरो जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। मोहग्रस्त होकर अपने कर्तव्य पथ से हट जाना मूर्खता है। क्योंकि इससे ना तो तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी और ना ही तुम्हारी कीर्ति बढ़ेगी। अमीर बनने के लिए एक एक खन संग्रह करना पड़ता है, किंतु अमर बनने के लिए एक एक कण बांटना पड़ता है। श्री कृष्ण ने दुष्टों को भी अपनी गलती सुधारने का मौका दिया, क्योंकि वो किसी मनुष्य को नहीं उसके अंदर की बुराई को मारना चाहते थे। जीवन में समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो। सुख हो तो बढ़ जाता है और दुख हो तो बट जाता है।